में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कब, जब एक बार स्विच एस ओपन है और एक बार स्विच एस क्लोज्ड है। तब जब ये स्विच एस ओपन है तब इसको आप जो 8 ओम वाला रेजिस्टेंस है इसको तो आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, भूल जाओ कि ये है भी बीच में, क्योंकि स्विच खुला है तो ये तो ओपन सर्किट है। सिर्फ अभी हमें कंसिडर करना है इन चार रेजिस्टेंस को कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। अब आपको अगर देखोगे घर में, मान लीजिए आप इस सर्किट बनाते हो, तो क्या आप इस वायर को यूज़ करोगे? ये एक्स्ट्रा वायर जबरदस्ती इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने के लिए बनी हुई है, ये ना भी हो तो चलेगा? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक ही है, ये मान लीजिए सी है, ये डी है, तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही हैं, तो इनको एक कर दें। मान लीजिए ये ए है, यहाँ से 6 ओम और यहाँ से 12 ओम है ना, और ये एक ही पॉइंट है सी और डी, और फिर ये यहाँ से 12 ओम और ये 6 ओम, ठीक है, और ये पॉइंट बी। तो इस तरह से अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा ना, आपके जो उसमें फेयर में आप बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में है और इस तरह से ये सी डी पॉइंट एक ही आ गए जैसे मैंने मिलाया ऊपर, और अब आप इनका निकालो, ये पैरेलल में है तो ये आ जाएगा 4 ओम और इसका भी 4 ओम है ना। अब स्विच जोड़ दिया आपने, तो अब वो स्विच जोड़ने के बाद देखो ये 8 ओम जो है ये इनके पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। मान लीजिए ये इस तरह से है तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पैरेलल में, ठीक है। तो इसको आपने पैरेलल में जोड़ दिया और 8 ओम और 8 ओम का आपने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो निकल के आया 4 ओम। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? 8 ओम एंड 4 ओम।